देखो एक क्वेश्चन है, 21st नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऑलरेडी तुम्हें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है जिसकी साइड्स 20 मीटर एंड 15 मीटर है, ठीक है। मतलब लेंथ कितनी हो गई, 15 मीटर एक रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। इसकी लेंथ दे रहा है 20 मीटर एंड ब्रेथ दे रहा है 15 मीटर, ठीक है। वो कह रहा है एक 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, पाथवे बना हुआ है, तो उसका एरिया निकालना है। अब इसके साइडों में क्या है, 2 मीटर चौड़ा पाथवे है, ठीक है। मतलब ये जो इसकी विड्थ है ये 2 मीटर की है, क्लियर। वो कह रहा है जो ये रास्ता है, जो बीच में साइडों में जो रास्ता है, इसका एरिया निकालना है, क्लियर। अब इसमें अब देखो 2 मीटर इधर से, 2 मीटर तो न्यू लेंथ कितनी हो गई, न्यू लेंथ कितनी हो गई, अबे 2 प्लस 2 20, तो जहां से यहां तक तो 20 ऑलरेडी है, 2 मीटर और ये ऐड हो गई, 2 मीटर और ऐड हो गई, यहां से यहां तक 20 है ना, तो अब न्यू लेंथ कितनी हो गई, 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से कितनी हो गई, न्यू ब्रेड 15 प्लस 2 प्लस 2 19। अगर हम इस बड़े एरिया में, बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो बच गया एरिया, जो बच स्पेस बच जाएगा उसका एरिया आ जाएगा, जो स्पेस बच जाएगा उसका एरिया आ जाएगा। मतलब कि हम इस बड़े रेक्टेंगल में से इस छोटे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो ये जो बच जाएगा स्पेस इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल बाहर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पाथवे इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो जो आउटर रेक्टेंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू, ठीक है। तो जो आउटर वाला है उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है, 24 इंटू 19, और इनर वाले की लेंथ ब्रेथ कितनी है, 20 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आएगा, 456 माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, 156 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपका पाथवे का एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, उसमें लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 40 मीटर एंड ब्रेड 30 मीटर की है, अब 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो 21st नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा था कि जो ये रास्ता बनाया है, जैसे ये रेक्टेंगल थी, ठीक है, इसमें लिखा था अराउंड, देखिए इसको कवर कर रहा है, 2 मीटर का रास्ता बाहर से कवर कर रहा है, ठीक है। तो हमने बाहर डायग्राम बनाया था, अब इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है इनसाइड इट। तो जो तुम्हें पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट टाइम भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रास्ता बन रहा है वो अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है इनसाइड इट कि इसके अंदर है, रेक्टेंगल कितनी बड़ी है, 40 मीटर और 30 मीटर, तो लेंथ कितनी हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई। अब इसके अंदर 5 बाय 5 का मतलब 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर ठीक है। तो ये जो रास्ता है अंदर का, ये अंदर का जो रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। अब 40 मीटर तो बाहर वाली की लेंथ हो गई, तो अंदर वाली की लेंथ 5 मीटर इधर से,
5 मीटर इधर से, तो लेंथ कितनी हो गई? न्यू लेंथ 40 माइनस 5 माइनस 5, पहले प्लस की थी, दोनों साइड से माइनस। तो ब्रेथ कितनी हो गई? 30 माइनस 5 माइनस, तो ये हो गई तुम्हारे पास 30 और ये हो गई 20। तो पाथवे का जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ आउटर माइनस इनर फिगर, जो अंदर का डायग्राम है इनर रेक्टेंगल, बाहर के रेक्टेंगल में से अंदर के रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तुम्हारे पास। तो बाहर के रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू, तो बाहर वाले का लेंथ और ब्रेथ कितनी है? 40 30 इनटू, तो ये आ गया 1200, तो 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है पूल का वॉल्यूम निकालना है। पूल बोल सकते हैं, क्यूबॉइड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ दे रहा है तुम्हारे पास 12, ब्रेथ 10, हाइट 7.5, ठीक है। तो 12 इंटू 10 इंटू डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन में 10 आ जाएगा। 12 5 दा 60, 12 7 दा 84 प्लस 6, 900 मीटर क्यूब। ये तुम्हारे पास वॉल्यूम आ गया। 25th नंबर क्वेश्चन में तुम्हें एक रूम का वॉल्यूम दे रहा है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रहा है और हाइट पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है तो इट मीन्स कि वो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की शेप में है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम कितना है? 288। वॉल्यूम कितना है? लेंथ 16, ब्रेथ 6, हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जब इक्वल टू के इधर आएंगी तो डिवाइड में आ जाएंगी, तो 16 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 6 इंटू 16 128, 6 इसको 3 पर, तो 16 इसको 18 पे डिवाइड करेगा, 6 इसको 3 पे, तो हाइट कितनी आ गई? हाइट कितनी आ गई? क्या था? मीटर सेंटीमीटर? मीटर था, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्यूब का वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। साइड क्यूब को और क्या बोल सकते हैं? साइड इंटू साइड, ठीक है। अब साइड कितनी है हमारे पास? 9। 9 का क्यूब क्या होता है? 7 × 9 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का डायगोनल क्या फॉर्मूला है? डायगोनल ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला है? साइड इंटू रूट 3। साइड कितनी है? 10 रूट 3, तो आ गया 10 रूट 3, ठीक है। मीटर है सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 28। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला है? 6 इंटू साइड, ठीक है। अब साइड कितनी है? साइड 12 है, तो 12 स्क्वायर, तो आ गया 6 इंटू 144, तो 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 26 864, ठीक है। क्या सेंटीमीटर? ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन के अंदर। उसने आपको क्यूबॉइड दे दिया, ठीक है, और उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + LH + BH। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास लेंथ ब्रेड रखी है 90, 50, 90, 40, 50, 40, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 95 = 45, 9 × 36, 5 × 20, ठीक है। तो 4 × 3 = 7, 2 × 9, 9 + 1, ठीक है। तो ये आ गया 20200 सेंटीमीटर, मीटर 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितने सेंटीमीटर में है, मीटर स्क्वायर में पूछी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्यूबिकल रूम है, ठीक है, एक क्यूबिकल रूम है, उसके अंदर वो रहा कितनी लंबी रोड फिट की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये सबसे लंबी जो है यही रोड फिट की जा सकती है। तो क्या आएगा, ये डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू रूट 3। तो साइड कितनी है, 15। तो ये आंसर आ गया 15√3। क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है 6 मीटर का एक साइड का क्यूब है, क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 6 मीटर, सेकंड क्यूब है जिसकी साइड है 2 मीटर, ठीक है। वो कह रहा है बड़े क्यूब में से छोटे 2 मीटर वाले क्यूब जिसकी साइड कितनी हो, 2 मीटर की साइड हो, ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब्स निकाले जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से छोटे छोटे क्यूब्स हम कितने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बड़े वॉल्यूम की साइड कितनी है, 6, बड़े क्यूब की साइड 2 × 2 × 2, ये इसको 3, 3, 3, 27 क्यूब्स। हेलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 34, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, अब वो दे रहा है क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वो कह रहा है क्यूबॉइड है, उसमें से हमने क्या निकालने हैं, क्यूब निकालने हैं। तुम्हारे पास क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड हाइट दे रहा है 20 × 15 × 5, और जो तुम्हारे पास क्यूब दे रहा है उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे 5 × 5 = 4 × 3 = 12 क्यूब्स। नोट करो, एक कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, हमारी सीरीज ये आपको मिल जाएगी, आपको मैक्सिमम मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं।